निरंतर कुछ मेरे हृदयों को थोड़ी जाने की जरूरी है, तो इनका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद कर रहा हूँ। उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, बट आज महिला दिवस के ऊपर और भी आयोजन है और मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनका इवेंट अब से कुछ ही देर बाद गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, रोहिणी में, अलग अलग स्थानों पर उनके ट्रैक के इवेंट्स ऑर्गेनाइज हैं, फिर भी उन्होंने हमारा बहुत बड़ा मान रखा। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, आप डॉक्टर पारुल पांडे जी का अभिनंदन करें। डॉक्टर पारुल पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और आपके कार्यक्रम को देखते हुए कि आपका कार्यक्रम 4 बजे से आरंभ होने वाला है और आप खुद ऑर्गेनाइजर हैं, मैं आपकी भावनाओं की कदर कर रहा हूं और तहे दिल से आपका धन्यवाद भी कर रहा हूं। एक सम्मान स्वरूप अभिषेक भाई भी आए हैं, युवा जन है का पत्रकार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ जो भाई आए उनका नाम भी पता है, तो भाई आपका भी स्वागत है। आप डॉक्टर पारुल पांडे जी आर्थिक रूप से महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग 200 समूहों का संचालन कर रही हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनको बैंकों से या अन्य वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर उनको रोजगार मुक्त किया है। आपका बहुत बहुत और ये समाज हमेशा आपका ऋणी रहेगा। आपके साथ बहुत ही प्रतिभाशाली और नाम से भी प्रतिभा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं अपने संबोधन में आपको बोल ही रहा था, जो शिवानी जी ने स्कूल्स के बारे में हमें हेल्प करती है, बट ईश्वर ने हमें 5 उंगली बराबर नहीं दी है, उसी तरह इस धरती में भी सभी लोग और सभी स्कूल वाले बुरे नहीं होते। आप भी एक स्कूल संचालिका हैं, लगभग आपके स्कूल में आपने कोरोना काल में लगभग 1 साल की फीस, जितने बच्चे इनके यहाँ पे पढ़ रहे थे उन सभी की बच्चों की फीस बिल्कुल नील की और लगभग एवरी ईयर अपने ही स्कूल में 40 से 50 बच्चों को जो निर्धन वर्ग सिर्फ आर्थिक रूप से हैं, जिनसे बहुत स्टूडेंट लोग हैं, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा के निर्धन बिना जाए, उच्च शिक्षा देने के लिए ही प्रावधान करता है, तो आप उन माँ बापों के लिए बहुत बड़ा सहयोग करती हैं। उन बच्चों को आपका 1 तक का स्कूल रनिंग में है और जो अपने संबंधित लोग हैं हायर सेकेंडरी तक भी कुछ बच्चों को शिक्षा प्रदान कराती हैं। नाम की भी प्रतिभा है और
प्रतिभाशाली भी हैं, आपका धन्यवाद करता हूं और समाज का ये योगदान, और मैं आपका बहुत हमेशा के लिए ऋणी रहूंगा और प्लीज भी आप सम्मानित करें। सामने देखिए, आपके साथ विराजमान मेरे अनुज मुकेश जी, प्रतिभाजी का सामाजिक कार्य में आपका बहुत कंधे से कंधा मिलाकर योगदान रहता है। राजेश जी और प्रमोद जी दोनों से निवेदन, आप उनका बगैर देंगे सरकार स्वागत करें और एक पट्टा प्रदान करें। आपको दिल में क्या, आंखों में और सिर पे बिठाने का मेरा मन करता है।
अभी हमारे बहन कुई ने बोला था कि कहने से काम नहीं होगा, तो मैं